जब अष्टावक्र के उपदेश से जनक जी को आत्मा का साक्षात्कार हुआ, तब जनक ने अपने अनुभव प्रकट करते हुए कहा, यह शरीर तुच्छ है, मैं आत्मा स्वरूप हूँ। आपने अत्यंत कुशलता के साथ मुझे अनुभव करा दिया है कि मैं ही परमात्मा हूँ। इसका मुझे स्पष्टता दृष्टिगोचर हो रहा है। जिस तरह जल से बुलबुल अलग नहीं, उसी तरह आत्मा और विश्व भिन्न नहीं। ये विश्व आत्मा से ही उत्पन्न हुआ है। मैं ही आत्मा हूँ, इसका बोध होते ही मुझे सर्वत्र आत्मा की विद्यमानता दिख रही है, इससे पृथक कुछ नहीं। मेरे गुरुदेव, मैं आपके प्रति कृतज्ञ हूँ, मैं आश्चर्यचकित हूँ। आज मुझे पता चला कि मैं निर्दोष, शांत, बोध और प्रकृति से परे आत्मा हूँ। लेकिन ये कैसी विडंबना थी कि मैं इतने समय तक मोहग्रस्त रहा और निरर्थक को सार्थक मानता रहा। मैं एक ही सारे जगत और इस स्थूल शरीर का प्रकाशक हूँ। ये समस्त जगत मेरा ही प्रतिरूप है और मैं जगत का प्रतिरूप। जब मैं कुछ नहीं, तब इसका कोई अस्तित्व नहीं। जिस तरह वस्त्र पर विचार करने पर वस्त्र तंतु ही प्रतीत होता है, उसी तरह ये विचार करने पर ये जगत सिर्फ विश्वात्मा प्रतीत होती है। जिस तरह गन्ने से बनी शक्कर में गन्ने का ही रस व्याप्त है, उसी तरह ये विश्व मुझसे ही निर्मित है और मुझ में ही व्याप्त है। आत्मा अज्ञानता के कारण ये संसार स्थूल रूप में दृष्टिगोचर होता है। आत्मज्ञान होने पर मुझे पता चला कि जगत आत्मा के सिवाय कुछ भी नहीं है। आत्मा अज्ञान कुछ इस तरह है जैसे ज्ञान के अभाव में कोई रस्सी को सांप मान ले। मेरा स्वाभाविक रूप नित्य ज्ञान और प्रकाशीय है। जब जगत प्रकाशित होता है तो मुझसे ही आभासित होता है। यह बहुत ही आश्चर्य की बात है कि अज्ञानवश कल्पित विश्व मुझे सीपी की तरह लगता था, जैसे वो चांदी हो और सूर्य की किरण जल। मैंने अज्ञानतावश विश्व को वास्तविक मान लिया था। ये संसार मुझसे उत्पन्न है और ये मुझ में ही विलीन हो जाएगा। जिस तरह घट मिट्टी में और लहर जल में और स्वर्ण में आभूषण विलीन हो जाता है, मुझे आश्चर्य है कि प्रलय के समय जगत का नाश हो जाएगा पर मेरा नहीं, क्योंकि सृष्टि का रचयिता आत्मा है। मैं आश्चर्यचकित हूँ और बार बार स्वयं को ही नमन करता हूँ। मैं विभिन्न जीवों में होते हुए एक हूँ और संपूर्ण जगत में स्थित हूँ। मैं आश्चर्यचकित हूँ। जगत में मुझ आत्मा जैसा कोई सत्य नहीं। मैं बिना शरीर के स्पर्श किए चिरकाल से विश्व को धारण करता हूँ। मेरे आश्चर्य की कोई सीमा नहीं है। मैं आत्मा हूँ और आत्मा को कुछ नहीं चाहिए। मन और वाणी के सभी विषयों पर आत्मा स्थित है। ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता, ये तीनों विपरीत और असंबद्ध हैं। अज्ञानी को ही ये तीनों सत्य प्रतीत होते हैं, जबकि सत्य चेतन आत्मा मैं हूँ। द्वैत भ्रम ही दुख का कारण है, इसके अलावा इसकी कोई औषधि नहीं। दृष्टिगोचर होने वाले सभी दृश्य मिथ्या और असत्य हैं। सत्य बोध और आत्मज्ञान ही दुख की निवृत्ति है। मैं केवल बोध स्वरूप हूँ, अज्ञानतावश कल्पित में ही उपादान का कारण हूँ। नित्य विचार करके असत्य का भान होने लगा और अब मैं निर्विकल्प में स्थित हूँ। यह विश्व मुझ में स्थित होते हुए भी मुझ में स्थित नहीं है। मुझ में ना तो बंधन है और ना ही मैं मोक्ष का आकांक्षी हूँ। मैं निराश्रय, शांत और भ्रांतियों से मुक्त आत्मा स्वरूप बोध हूँ। इस शरीर सहित ये जगत किंचित सत्य नहीं। आत्मा के अलावा कुछ भी सत्य नहीं। परम सत्य केवल आत्मा है। शरीर, भय, स्वर्ग, नरक, बंधन और मोक्ष की धारणाएं केवल काल्पनिक और अज्ञानियों के लिए हैं। यथार्थ तो केवल मैं आत्मा हूँ। इनका इस तरह की काल्पनिक अवधारणाओं के साथ क्या संबंध? आश्चर्य है कि मुझे जनसमूह में भी द्वैत नजर नहीं आता। मुझे संपूर्ण जनसमूह एकरूप दिखता है। अब मुझे समझ नहीं आता कि मैं किससे प्रीति करूं। न ही मैं शरीर हूं और शरीर भी मेरा नहीं है।
नहीं मैं जीव हूँ, मैं असंत केवल चैतन्य स्वरूप हूँ। मेरे अंदर जो जीने की इच्छा थी वही मेरा बंधन थी। आश्चर्य है कि मेरे आत्मा रूपी सर्वव्यापी समुद्र में चित की वायु से अनेक ब्रह्मांड रूपी तरंगे उत्पन्न होती हैं और चित शांत होने पर उसी में विलीन हो जाती हैं। मुझ अनंत में जब संकल्प रूपी वायु शांत हो जाती है तो मन संकल्प से रहित हो जाता है। तब जीव की शरीर रूपी नौका का प्रारब्ध संकल्प रूपी कर्म के नष्ट होने से नाश हो जाती है। चित का संकल्प ही प्रारब्ध कर्म और निर्णायक बिंदु होता है। आश्चर्य, मुझ आत्मा रूपी अनंत सागर में जीवन रूपी तरंगे उत्पन्न होती हैं और परस्पर अध्यास करती हैं, खेलती है, मित्रता शत्रुता करती हैं और स्वतः ही मुझ में विलीन हो जाती हैं।